टुडे वी डिस्कस अबाउट कीपिंग हेल्दी, कीपिंग टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, दांतों को स्वस्थ और मजबूत रखना। इन ऑर्डर टू कीप अवर टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हमें अपने दांतों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए देखिए क्या करना चाहिए। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम, हमें अपने दांतों की सुरक्षा के लिए उनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड ऑल्सो बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, हमें मॉर्निंग में ब्रश करना चाहिए और जब हम सोने जाते हैं तब भी हमें ब्रश करके ही सोने जाना चाहिए। रिंस योर माउथ, हमें मुंह का कुल्ला करना चाहिए विथ वाटर, किसके साथ, पानी के साथ। आफ्टर यू ईट एनीथिंग, यदि आप कुछ भी खाते हैं तो खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। डू नॉट ईट एनीथिंग और ड्रिंक कोलास आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ एट नाइट, रात में ब्रश करने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि ना ही कोलास वगैरह लेनी चाहिए, ना जो मन करता आपका वो खाने लगे। इसलिए आपको जब नाइट में आप ब्रश कर लेते हो उसके बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्लीन योर टंग एवरी टाइम यू ब्रश योर टीथ विथ अ टंग क्लीनर, जब आप ब्रश कर लेते हैं तो आपको टंग क्लीनर की हेल्प से अपनी टंग क्लीन करनी है। इससे क्या होता है, दिस प्रिवेंट्स जर्म फ्रॉम ग्रोइंग इनसाइड द माउथ, जो जर्म होते हैं जो माउथ के अंदर बढ़ रहे होते हैं तो टंग क्लीनर की हेल्प से आप उनको क्लीन कर लेते हैं और उनको रोकने में मदद मिलती है। रिप्लेस योर टूथब्रश एवरी 3 months और सूनर, आपको अपना जो ब्रश है उसको 3 months में चेंज करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। इफ़ इट्स ब्रिस्टलेस बिगिन टू बियर डाउन, जो आपने देखा होगा ब्रश होता है उसके जो ये देख रहे हैं आप बाल होते हैं ना, वो गिरने लगते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं, इसलिए हमको 3 months में अपना ब्रश चेंज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, यूज टूथपेस्ट विच कंटेन्स फ्लोराइड एज इट हेल्प्स इन रिमूविंग द प्लेग यू, आपको कैसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसमें फ्लोराइड्स हो और जो प्लेग यू को हटाने में हेल्प करे। विजिट आ डेंटिस्ट एवरी 6 months फॉर डेंटल चेकअप, आपको 6 months में डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए। नेक्स्ट है, बिसाइड्स ब्रशिंग, ब्रश के अतिरिक्त और क्या करना चाहिए, यू शुड ऑल्सो यूज डेंटल फ्लस 1 hour daily, दिन में एक बार डेंटल फ्लस का यूज करना चाहिए। अब डेंटल फ्लस क्या होता है, एक सिल्क का धागा होता है जो आप अपने दांतों के बीच में डाल के उसकी जो गंदगी होती है उसको हटा सकें। देखिए लिखा है, फ्लॉसिंग रिमूव्स फूड पार्टिकल्स, जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव्स हटा देता है एंड प्लेग यू को। बिटवीन योर टीथ वेयर योर टूथब्रश कैन नॉट रीच, जहाँ आपका टूथब्रश नहीं पहुँच पाता है तो आपका डेंटल फ्लस हेल्प कर देता है। दिस इज अ ऑल्सो अ ग्रेट वे टू प्रिवेंट जर्म डिसीजेज, जो क्या करता है आपको रोगों से बचाता है। थैंक यू एवरीवन।